हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू, वो भी बिना झारे के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम लिए हैं, एक बाउल बेसन लिया है और ये 2 पिंच फूड कलर लिया है। ये मैंने रेड फूड कलर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, इसे थोड़ा सा हिला लेंगे जिससे फूड कलर अच्छी तरह मिल जाए। बेसन को हम बड़े बाउल में डाल लेंगे। मैंने आधा बाउल और बेसन का ले लिया है। क्वांटिटी में बेसन 250 ग्राम है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। पानी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर हम इसमें एक साथ ज्यादा पानी डाल देंगे तो पतला भी हो सकता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालने से लम्स भी इसके जल्दी खत्म हो जाएंगे। बेसन को हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे जो हमने तैयार किया है। ये फूड कलर हमें आधा ही डालना है। आधा फूड कलर हमें चाशनी में डालना है। फूड कलर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बूंदी के लड्डू के लिए बैटर बनकर तैयार है। ये देखिए, बैटर की थिकनेस बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, नहीं तो ये गाढ़ा है, नहीं ये ज़्यादा पतला है। और ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इस तरह की छलनी लेंगे और इस तरह से बैटर को इसके ऊपर डाल लेंगे। इसी तरह से हम बार बार बैटर को लेते जाएंगे, छलनी के ऊपर डालते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इस तरह से बूंदी की शेप आ रही है, वो भी बड़ी आसानी से। बहुत ही इजी तरीके से हम लड्डू के लिए बूंदियां बना रहे हैं। और इस तरह की छलनी सबके घर में होती ही है, तो हमें बूंदी के लड्डू बनाने के लिए झारे की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी देर बाद हम इसे छलनी से इस तरह से पलटते जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत गांठ इसमें बन भी गई तो हम इस तरह छलनी से इन्हें तोड़ लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बूंदियां एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, ये देखिए। और ये देखिए, इन्हें फ्राई होने में 5 मिनट लगे हैं। मैंने इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया है। इन्हें निकालते वक्त हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इस तरह छलनी से सारी बूंदियां निकाल लेंगे। इन्हें निकालने के बाद हम गैस का फ्लेम फिर से हाई कर लेंगे। अगर आपकी कढ़ाई पतली तली वाली है तो गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें। जब ये बूंदी फ्राई हो जाएगी तो काफी हल्की हो जाएगी, तब आप इन्हें निकाल लेना। इसी तरीके से हम बैटर को छलनी के ऊपर डाल लेंगे। बैटर डालते हुए हम छलनी को इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे जिससे कि बैटर एक जगह न गिरे और लम्स न बने। ये देखिए, इस तरह से हमें कढ़ाई में बस इतना ही बैटर डालना है, ज्यादा नहीं डालना। ज्यादा बैटर डालेंगे तो इसमें लम्स बनते चले जाएंगे। और मैंने इसे 5 मिनट फ्राई किए हैं। अब ये बिल्कुल हल्की हो गई है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें निकालते वक्त छलनी से इसे हल्का सा पटक लेना जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और ये देखिए, सारे बैटर की हमने बूंदी बना ली है। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम चीनी ली है। चीनी में हम 500 ग्राम ही पानी डाल लेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे और चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो चीनी जलने लग जाएगी और कढ़ाई में चिपक जाएगी, इसीलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना चीनी मेल्ट होने तक। और ये चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल लेंगे। इलायची पाउडर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने फूड कलर बचाया था उसे भी इसमें डाल लेंगे। चाशनी को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो गई है। अब हम चेक कर लेंगे कि बनी है कि नहीं। और हम इसे इस तरह से चेक कर लेंगे। ये देखिए, एक तार वाली चाशनी बनी है। बस हमें इस तरह ही चाशनी तैयार करनी है।
अब हम इसमें बूंदी डाल लेंगे जो हमने अभी फ्राई की है। बूंदी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। थोड़े से हम इसमें कटे हुए बादाम डाल लेंगे। बादाम को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। हमें चाशनी को सुखाना है ऐसे ही चलाते हुए। ये देखिए चाशनी अब सूखने लग गई है, ये बिल्कुल थिक होने लग गए हैं। बूंदी ने भी रस अच्छी तरह से ले लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इसे सुखाने में 5 मिनट ही लगे हैं, तो चलिए अभी इसे ठंडा कर लेते हैं। बूंदी ठंडी हो गई है, अब हम इसे इस तरह से मैश कर लेंगे हाथों से। ये देखिए हमें इस तरह का मिक्सचर तैयार करना है। अब हम थोड़े से मिक्सचर को हाथ में लेंगे और इस तरह से घुमाएंगे गोल गोल, और दूसरे हाथ से हम इसे स्मूथ बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हम लड्डू को शेप देंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाएंगे। ये देखिए सारी बूंदी को हमने लड्डू की शेप दे ली है। ये देखिए इस तरह से, एक लड्डू में तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने मोतीचूर के लड्डू तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बहुत ही ईजी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।